सोलन के वार्ड नंबर 14 के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक और बहुमंजिला बिल्डिंग गिरने की कगार पर है। बिल्डिंग के आगे लगा डंगा गिर चुका है और प्रशासन ने फिलहाल तरपाल लगाकर अस्थायी तौर पर बचाने की कोशिश की है। वहीं तहसीलदार गुरमीत सिंह नेगी, बिजली विभाग के एक्शन और बाढ़ के पार्षद मौके पर मौजूद है। एहतियातन के तौर पर प्रशासन ने खतरे की जद में आई बिल्डिंग सहित आसपास के दो घरों को खाली करवा दिया है। जानकारी के अनुसार बिल्डिंग के मकान मालिक जीरकपुर में रहते हैं और यहां पूरी बिल्डिंग में किराएदार रहते हैं। खतरा इसलिए भी ज्यादा देखा जा रहा है कि बिल्डिंग के ऊपर मोबाइल कंपनी का टावर भी लगा हुआ है। गौर रहे कि 3 दिन पूर्व ही कुमारहट्टी में हुए हादसे से लोग सहमे हुए हैं। ऐसे में एक और बिल्डिंग पर जमींदोज होने का खतरा मंडरा रहा है। बहरहाल दिन भर हुई बारिश के बाद अभी मौसम साफ है। यदि रात को और बारिश होती है तो बिल्डिंग गिरने की संभावना बढ़ सकती है। ये बिल्डिंग 2005 से जब से बनी है, हमने इसकी बहुत सी कंप्लेंट भी करी, कोर्ट में भी केसेस चलते रहे, उसके मतलब उसमें स्टे ऑर्डर्स भी लगे, लेकिन फिर भी इसमें काम चलता रहा। म्यूनसिपलिटी के कुछ ऑफिसर्स उसमें शामिल रहे हैं लगातार, और अब एक साल से हम कंप्लेंट कर रहे हैं कि इसमें जो सीवर की पाइप्स हैं वो खुली हुई ज़मीन में डाली गई थी, जिसकी वजह से आज ये डंगा गिर रहा है पूरी तरह से। और उसके खिलाफ ना ईओ साहब यहाँ पे आए, ना कोई और उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आया। हम लोगों ने अपने पर्सनल पैसे खर्च करके रिपेयर करवाई, टेम्परेरी ही करवाई, लेकिन उसके फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा लीकेजेस थी, जिसकी वजह से ये डंगा नीचे आया है। लीगल ऐसे है सर कि इसका अप्रूव्ड मैप नहीं है पूरा, जो इसमें कंस्ट्रक्शंस हुई हैं उसका कहीं भी आप मुझे पूरे म्यूनसिपैलिटी में रिकॉर्ड चेक करके बताइए कि कहीं भी अप्रूव्ड है वो या नहीं। उसके अलावा इतनी वीक स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें RCC भी पूरी तरह नहीं है अंदर, उसके ऊपर इतना हैवी टेलीफोन का वो टावर लगा हुआ है, मोबाइल टावर, जिसके लिए हमने पूरे हाउसिंग बोर्ड एसोसिएशन की तरफ से भी ऑब्जेक्शंस डाले थे, लेकिन उसको भी म्यूनसिपैलिटी ने नज़रअंदाज किया। ये जो घर के लिए खतरा बना हुआ है, एक्चुअली ये हैवी रेन होने की वजह से खतरा रहा, डंगा गिर गया है, डंगा गिरने से घर को खतरा, हमने करा घर में रह रहे हैं जो भी हैं किराएदार हैं चाहे मकान मालिक है, सबको आग्रह कर दिया कि सबको हटवा दिया। और सेकेंडली सराउंड के दोनों तीन बिल्डिंग्स हैं, इनको भी सबको कंटेनेंट्स और मकान मालिक सबको कहा गया कि खाली कर दे। और सेकेंडली जहाँ तक बात है MC की बात है, अब तो इन्होंने एलिगेशन लिखा है, पर मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कभी यहाँ विजिट भी नहीं कि मैंने देखा नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं। अब देखता हूँ अगर इनकेस मैंने अपने आपने जेज को बुलाया, क्या इस तरह की कोई कंप्लेंट हुई तो मैं देखेंगे। अब अभी मैंने हम सबने उनको खाली करवा दिया है, देखते हैं इसके बाद इसको तरपाल पर हम प्रशासन की तरफ से तरपाल देंगे, चूँकि तो कि हम अपनी तरफ से करेंगे। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।